असलमी कोचिंग क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के शहरों के बारे में भी। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से शहर हैं दोस्तों, तो इनके बारे में हम आज क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्रांत कौन सा है दोस्तों। तो एक प्रांत है जिसका नाम है क्वींसलैंड। कौन सा है दोस्तों? क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड की बात करें तो क्वींसलैंड की राजधानी कौन सी है दोस्तों? ब्रिस्बेन। कौन सी राजधानी है? ब्रिस्बेन। दूसरा जो केंद्र शासित दूसरा जो राज्य है दोस्तों वो कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स। कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना सिडनी है। कौन सी राजधानी है? सिडनी राजधानी। और इसके बाद में एक प्रांत और है जिसका नाम क्या है दोस्तों? विक्टोरिया। कौन सा प्रांत है? विक्टोरिया। और विक्टोरिया प्रांत की अगर बात करें दोस्तों तो विक्टोरिया प्रांत की जो राजधानी है वो है कौन सी दोस्तों? तो वो है विक्टोरिया प्रांत की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो आपको याद रखना है मेलबर्न है। कौन सी है? मेलबर्न राजधानी। कौन सी राजधानी? मेलबर्न। और नेक्स्ट है जो प्रांत है वो कौन सा? साउथ ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कौन सी है दोस्तों? एडिलेड। कौन सी राजधानी है? एडिलेड राजधानी। और इसके बाद में आता है दोस्तों वेस्टर्न यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है पर्थ। कौन सी राजधानी है दोस्तों? पर्थ राजधानी। और इसके बाद में कौन सा है? नॉर्दर्न टेरिटरीज, माना जाता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी प्रदेश है दोस्तों। कौन सा है? उत्तरी प्रदेश। उत्तरी प्रदेश की जो राजधानी है वो दोस्तों कौन सी है? डार्विन। कौन सी राजधानी है? डार्विन राजधानी। कौन सी राजधानी है दोस्तों? डार्विन। तो ये आपके छह क्या हो गए? प्रांत। कितने प्रांत हो गए दोस्तों? छह प्रांत, जिसमें एक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया या उत्तरी प्रदेश हो गया, एक क्वींसलैंड हो गया दोस्तों, और एक कौन सा हो गया? साउथ न्यू साउथ वेल्स, और एक है विक्टोरिया। कौन सा है? विक्टोरिया। विक्टोरिया के बाद में कौन सा आता है दोस्तों? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यानी कितने प्रांत हो गए? छह प्रांत। अब आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, तो दो। एक तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? एक तो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है दोस्तों? याद रखना आपको कैनबरा। कौन सा है? एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दोस्तों कैनबरा। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका नाम है कैनबरा, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन सा है दोस्तों? तस्मानिया। कौन सा है? तस्मानिया। तस्मानिया। और जो तस्मानिया की राजधानी है वो कौन सी है दोस्तों? हबार्ट। कौन सी है? हबार्ट। कौन सी राजधानी है दोस्तों? हबार्ट। तो ये आपको याद रखना है छह शहर। अब आप इन शहरों को किस प्रकार से आप याद कर सकते हो, तो आपको याद रखना है, एक ट्रिक याद करना है दोस्तों। वो ट्रिक कौन सी है? तो याद रखना BSC। कौन सी है? BSC। BSC के बाद में क्या करते हैं दोस्तों? MA करते हैं। BSC के बाद में क्या किया? MA। MA के बाद में क्या किया दोस्तों? PhD। PhD क्या किया दोस्तों? PhD। तो याद रखना B का क्या हो गया दोस्तों? ब्रिस्बेन, जो किसकी राजधानी है? क्वींसलैंड की। और S का क्या हो गया दोस्तों? सिडनी, जो किसकी राजधानी है दोस्तों? न्यू साउथ वेल्स की। और उसके बाद में कौन सी है दोस्तों? तो कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। M का मतलब मेलबर्न। कौन सा दोस्तों? मेलबर्न है, जो विक्टोरिया की राजधानी। A का मतलब एडिलेड, जो किसकी? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और P का मतलब दोस्तों पर्थ। PH का मतलब पर्थ। पर्थ ये राजधानी किसकी है दोस्तों? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। और उत्तरी प्रदेश की राजधानी कौन सी है? डार्विन। D का क्या बनता है दोस्तों? डार्विन। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। BSc के बाद में क्या किया? MA। MA के बाद में क्या किया दोस्तों? PhD। ये जो आप BSc, MA, PhD याद रखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के सभी शहर आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। तो आज आपके लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।